सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दीर्घ शिव उवाच देहे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलाहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्य उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोक स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टवशन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलाधा कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्रदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमास्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमास्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते दैवश्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमास्तुते रोगानशेषानपहसितुष्ट दृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नयानां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वभैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानि भवमोचने आया दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डनन्दा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिलिः
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलाभती वट्टाम्भरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव महाराजे लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला दुर्दर्शनी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भशुम्भ हरणे महिषासुरमर्दिने मधुकेतवहन्ते च चण्डमुण्ड विनाशिने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैकन्या च कैशोरी युवते जतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महोधरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरि कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनि इदम् प्रमठे नित्यम् दुर्गा नाम सुदाशकम् नासाध्यम् भिद्यते देवे कृशो लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायाम् हयम् हस्विनमेव च चतुर्भर्गम् तथा चान्द लभे मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयेत् भर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्ध्यनुभवे देवे सर्वैः सुरभरैरपि राजानो दासलाव्यान्ते राजश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकटुङ्कुमेण सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिखयन्द्रम् विलिना विदिघ्यो भवे सदाधार्यते पुरारिः भूमाशानिशामग्रे चन्द्रेशाङ्गते विलिख्य ब्रह्मे स्तोत्रम् स भवे सम्पदा पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मैं विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में
कि भगवती की आराधना अर्चन पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मैं जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवताम् अञ्जना सप्तमातरा भीलम् दिगबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती बाढाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्ढिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जङ्घुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य च दाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्मि भूयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तश्रुष्व महामले प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना धैर्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्क्रमे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि येषु भक्त्या स्मृतानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिकलसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विषारूढा कौमारी शिलिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नाभिशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेदकं कौमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्नायुधानिर्धं देवानां रहिताय मे नमस्त्यस्तो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयभिनाशिनी
राजमान देवी दुष्प्रक्ष शत्रुनाभयवर्धिनी प्राचां रक्षतु ममेन्द्रियग्नयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहे नैरुखड्गधारिणी प्रतीचाम्भारुणी रक्ष वायव्यामृगवाहिनी उदीचाम्बातु कौमारी ईशान्यशूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तदस्तालैश्रवी तथा वेभं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता भाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुव रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्ध्वारवासिनी कपालकालिका रक्ष कर्णमूले तुषाञ्जलि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला युग्मायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके वामाक्षे शिवकं रक्षे वाचा मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठमञ्चे धनुर्धरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिका नलकोभरि स्कन्दयोर्खड्गनी रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्ष दम्बिका चाङ्गुलेषु च रखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षा रक्ष कुलेश्वरी सदा रक्ष महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचकामनी रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदय महिषवाहिनी गग्र्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्भयोर्गारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनि रखादष्ट्रा कराले च केशांशैवध्वकेशिनि रोमकूपेषु तु वेरे त्वजं वालेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानं तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणम् कल्याणशोभन रसे रूपे जगन्धे च शब्दे स्वर्षे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्येव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मम् रक्षतु वैष्णवे दशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुपथा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिरा रक्षाहीनां दुयस्तानां वर्जितं कवचेनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतो जदेक्ष शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले कुमार निर्भया जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्यसुमभेत्पूजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविधुर्लभम् यः पठेत् भयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यश्वपराजितः जीवेत् वर्षतं साघं मम मृत्यो विवर्जितः
दर्शन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचरः शैव जलजा शोपदेशिनाः सहजा कुलजा माला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचर घोरा ढाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतविशाचाश दक्ष गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षस वेतालः कुसुमाण्डाभेरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्कृते मानोन्नते भवेदाजस्तेज वृद्धिकरं भरम् यस् सा वर्धते सम्यक्मण्डित भूतले जपे सप्तशतीं जण्ढिं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशैलावनकालनं तावत्तिष्ठति मे दन्यां सन्ततिः पत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरविदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमरूपम् शिवेन सह मोदते ओ अथ अर्गलस्तोत्र ओ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः हनष्टुप्रचण्डः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाभीतये सप्तशतीमाढाङ्गत्वेन लभे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मारकण्डे उभा च ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतात्रिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोऽस्तु ते मधुकेतव विद्राभि विधाते वर्धे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दुशो जहि शुम्भस्य वलिशुम्भस्य धूमराक्षस्य माधुलि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्घ्रिर्वे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सर्वं जयत्वार्चयन्ति भक्तिकः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमाराग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशुरवर्णनिकृष्णचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं दशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डदत्तदर्भग्नचण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि
चतुर्भुज चतुर्भक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि दिशा देहि दिशा जहि कृष्णेन संसुते देवी सशद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि हिमाकलसुदानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि इन्द्रानेपतिसद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि देवी प्रचण्ड दुर्गन्ध दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि देवी भक्तजनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि पत्नी मनारमा देहि मनावृत्तानुसारिणी कारिणीं दुर्गं संसार सागरस्य कुलाध्वा इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या धर्मापनोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टप्रच्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः सन्धिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे शिरः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणाम विकीलकम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रं नोऽशुरं तत्र न किञ्चिदविभिद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव इदं शुभम् स्तोत्रं हे चण्डिकायासो तच्च गुप्तं चकारसः समाप्य रजमुन्यस तयथा वन्नियन्त्रणम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाय वा चतुर्दश्यामष्टं यावा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्णीनां हृदयेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः सकलः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाचेवापृतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्यो वर्षं याति मृता मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य दुर्वेत न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते मुनेः सौभाग्यानि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् शनेऽस्तु याप्यमानेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरोच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्बलः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ओ श्रीमहिषासुरमर्दने सत्र आयि गिरिनन्दिनन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोधिनि वासिनि विश्वविलासनि ते शृणुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवरदिनि शयनसुते
भूषण भूत कला निरूपयो निराजत
लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि प्रियंके हर निशमया दासोऽयमिति मा वक्त्वा सर्वस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि बाधानां विसर्जनम् मया देवी परिपूर्णं तन्नः
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। तो वास्तव में जिन भक्तों पर इस माँ जगजन्य जगत माता की कृपा हो जाती ही, जिन भक्तों को इन तीनों देवियों का, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी, माता महा सरस्वती, जो इस दिव्य गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के रूप विराजमान ही, इन तीनों माताओं का, जिन भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है।
वह जो ही मन में चिंतन करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की वह समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती हैं, उनके घर गृहस्थ में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है और वह उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते उन्नतशील होते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, सर्वत्र वह सफल होते हैं और इस प्रकार से इस लोक में स्व सुखों का भोग करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। शास्त्र में कहा है संगश्यदम संभदम संभो मनासी जानताम देवा भागम जथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगश्यदम कि हम सब कुछ है मिल करके चलना चाहिए, चाहे वह परिवार ही चाहे समाज ही चाहे देश है, संगश्यदम मिल करके चलना चाहिए, संभदम और मिल करके बोलना चाहिए, क्या कि एक दूसरे की बात जो है बस सुननी चाहिए, उस पर मन कर करके जो है ठीक प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। संभव मनासी जानता एक दूसरे के मन को जानने समझे, देवा भागम जथा पूर्वे संजानाना उपास दे। जिस प्रकार से देवलोक जो है देवता जो है वह अपने अपने भाव को प्राप्त करते थे, उसी प्रकार से हम सबको जो है जो उसकी कृपा से उसके आशीर्वाद से मिले उसी में संतोष करना चाहिए, देव कृपा से जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए। संतोषम परम सुखम और संतोष में ही परम सुख है, संतोष रूपी एक ऐसा धन है जिसको संतोष है उसके पास कभी कोई जीवन किसी चीज की कमी रहती नहीं, जो संतोष में ही है तृष्णा है तो जीवन भर जो है वह व्यक्ति जो है कहते हैं कि एक कामना पूर्ण होगी दूसरी प्रारंभ हो जाएगी, वह पूरी होगी तीसरी प्रारंभ हो जाएगी, तृष्णा न जीर्णा भय में जीर्णा। तृष्णा जो है ये कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी जीर्ण नहीं होती, जे जीव जो है जे मनुष्य जो है जे बूढ़ा हो जाता है जर्जर हो जाता है, परंतु जे तृष्णा जो होती है जे कभी जीर्ण नहीं होती कभी बूढ़ी नहीं होती। हम कहते हैं कि हम समय व्यतीत कर रहे हैं, वास्तव में हम समय व्यतीत नहीं कर रहे, समय हमको व्यतीत कर रहा है, हम बीत जाते हैं समय वहीं पर है, कालों न जाता भय में भी जाता, काल वहीं पर है हम चले जाते हैं। इस प्रकार से ये तृष्णा के विषय में कहा है कि तृष्णा जीर्णा भय में जीर्णा, तृष्णा जो है ये ऐसी तृष्णा होती है कि मनुष्य के जीवन में यदि ये आ जाए आती है और जीवन भर में व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो पाता, चाहे कितने धन संपत्ति उसके पास आ जाए वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तृष्णा और ईर्ष्या द्वेष जिसके जीवन जे है उसके जीवन सुख नहीं हो सकता और जिसके जीवन में जो संतोष है उसके जीवन सदा सर्वदा सुखी सुख रहता है। कहा है इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मीहते कर्तुम लक्षाधिपति राज्यम राज्य भी सकल चक्रवर्तित्वम चक्र धरो भी सुरोत्तम सुरोत्तम लाभे सकल सुरपतित्वम भवतम सुरपति ऊर्ध्व गतित्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। ये तृष्णा के विषय में कहते हो कहा है, तृष्णा की बात बड़ी एक निराली है। कहते हैं कि जिसके पास 100 रुपया है 100 रुपये वाला जो है 1000 की तृष्णा करता, मेरे पास 1000 हो जाए। इच्छति शतम सहस्रम सहस्री जो कहते हैं कि 1 रुपया है तो 100 की इच्छा करता है, 100 वाला जो सहस्र 1000 की जो है वह इच्छा करता है तृष्णा करता है और सहस्र जो है वह कहता है मैं मेरे पास 1,00,000 आ जाए,
मैं लखपति हो जाऊं, फिर जो है लक्षाधीश जो है लखपति बन जाते हैं, तो फिर कहता है मुझे राज्य की प्राप्ति हो जाए, मुझे राज्य मिल जाए। और फिर जो है राज्य भी मिल जाता है, राज्य मिल जाने पर जो है उसमें जो है संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती साम्राज्य कीजिए, मैं चक्रवर्ती राजा हो जाऊं, संपूर्ण राज्य जो है विश्व का राज्य जो है मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी अभिलाषा जो है ये उदय होती है। फिर चक्रवर्ती सम्राट भी वह हो जाता है, ये होने पर भी जो है फिर कहता है मुझे तो इंद्र का राज्य मिल जाए, इंद्र के राज्य की प्राप्ति हो जाए। अब जो है इंद्र बन जाने पर भी जो है कहते हैं फिर वह सोचता है इससे भी ऊंचे पदों की जो है लालसा बन जाती है, इससे जो ऊपर वाला पद है वह मुझे प्राप्त हो जाए, कहां तक कहा जाए, जय तृष्णा कभी जो निवृत्त जो है नहीं होती है, तृष्णा से कभी निवृत्त नहीं हो सकता जब एक बार फंस जाए इसमें। वास्तव में जो तृष्णा से मुक्त है वे ही जो है सच्चे मुक्त है, सच्ची मुक्ति वही है जो तृष्णा से मुक्त है, इसलिए उसकी कृपा से जो मिले उससे संतोष करें और खूब भक्ति करें। भक्ति रूपी धन एक ऐसा है जो आपको जहां पर भी सुख देगा और आगे भी सुख देगा, जो तृष्णा जहां पर भी दुख देगी और आगे भी चल करके, तृष्णा क्या है, धन संपत्ति की तृष्णा रहती है, इतनी तृष्णा बढ़ते बढ़ते जो है जे मानना कि ठीक है धन जो है एक साधन है, परंतु याद रखना जे साध्य नहीं है, साधन जरूर है जे साध्य नहीं है। इसलिए अध्यात्म की ओर बढ़े, जे धन जो है जे सुख देता है, ये धन जो है दुख भी देता है, यही धन जो है जिससे आप सुख की प्राप्ति करते हैं और यही धन जो है जे जेल तक ले जाता है, जीवन भर कारावास में रहना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक चीज जो होती है, प्रत्येक वस्तु जो निजों को बना रखा है शास्त्रों में, इस संसार में आकर के जीवन कैसे जीना है, ये शास्त्रों जो निज बतलाएगी कैसे जीना है, शास्त्र की जो विधि है उनके अनुसार जो चलते हैं, जो मर्यादा में रह करके चलते हैं तो उनके जीवन सदा सर्व सुख बना रहता है, कोई बिगड़ बाधा नहीं आती। जो मर्यादा से बाहर जाते हैं तो वही धन जो है दुख का कारण बन जाता है किसी भी रूप में। इसलिए सदा सर्वोज ये संतोष देने वाले जिसके चरण में बैठे हुए हैं जे भगवती आदि शक्ति है, इसकी जिन पर कृपा हो जाती है, जे भगवती जिन पर प्रसन्न हो जाती है, उन भक्तों को जे सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है, माया की कृपा से जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उनके जीवन कभी को कष्ट आता नहीं, क्योंकि बुद्धि सदा सर्वदा लोभ में पड़ती नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय करती है, क्या उचित क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये सारे निर्णय उसकी अंतरात्मा अंदर से होते जाते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि कभी कोई ऐसा संकट आए, विपत्ति आ जाए, जब कोई भी कार्य करने के लिए अब अग्रसर होते हैं, एक एक जो है जहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ठीक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, माँ की जोत जगाइए, प्रतिदिन वास्तव में तो प्रतिदिन माँ की जोत जगाए, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की आरती करें, माँ से क्षमा प्रार्थना करें और इस तरह से भगवती की शरण धोकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कभी कोई संशय होता है कोई निर्णय करने में तो माँ का ध्यान करें, ओम का नाद करें और फिर जो है आपको अंदर से ही आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, आपको कहीं से पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि भगवती सबके अंत करने बैठी हुई है और उसकी साधना करने से, उसका नाम जप करने से अंत करने शुद्ध होता है, अंदर की मैल जो होती है, बाहर के मैल तो आप साबुन लगाते हैं धो लेते हैं, स्नान करते हैं तो ये शरीर की मैल धुल जाती है, मन की मैल जो है ये नाम जप से धुलती है, ये नाम रूपी साबुन जो है इसका जवार भर जो है जैसे इसकी साधना करेंगे, माँ का नाम स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, फिर आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपका अपने अंदर से मिलेगा, कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आपके जीवन में देखिए कैसे परिवर्तन आता है और कैसे आपका जीवन जो है प्रकाश में होता है, प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार से कहा है कि पवित्रता
पांच प्रकार की पवित्रता बताई गई है कि मन शोचम, कर्म शोचम, कुल शोचम च भारत, शरीर शोचम, भाग शोचम, पंचविधम समृतम। ये पांच प्रकार की पवित्रता बताई गई है। मन शोचम, मन को पवित्र रखे, मन को पवित्र रखे, ये बातें जानने की या जीवन में उतारने की बातें, धारण करने की बातें। मन शोचम, मन को पवित्र रखें। कर्म सोचो, अपने कर्म पवित्र रखें, कर्म पवित्र करें, कहीं बुरा कर्म ना कर दे, बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। कुल सोचम, इससे कुल भी पवित्र होता है, कुल भी पवित्र रखें, कुल में कहीं कोई काला धब्बा ना लग जाए। धन रखें, बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं बच्चों से, बेटा ये काम करने के लिए आप जा रहे हो, जिस कार्य के लिए, जिस कार्य को करने के लिए आपको भेजा जा रहा है, उस कार्य को ठीक प्रकार से करना, कहीं हमारी नाक न कटवा देना। कुल का भी ध्यान रखना। और जो है शरीर सोचम, शरीर की पवित्रता होनी चाहिए। शरीर सोचम, भाग सोचम, बाणी की पवित्रता। ये बाणी जो होती है, इससे आप जो है दूसरों का यशगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इस भगवान की स्तुति करते हैं, और इसी बाणी से गाली गलौज भी करते हैं। तो बाणने की बात, बाणने की पवित्रता जो है, ये पांच प्रकार के पवित्र शास्त्र में बताई गई है, इनको पवित्र रखें यदि अपना जीवन ठीक। और इसमें भी कहा गया है पंच श्वेतेषु शोचेषु हृदि शोचम विशिष्यते। इन पांच पवित्र जो बतलाई है, इनसे भी श्रेष्ठ जो है, उत्तम जो है, ये कहा कि हृदय, अपने हृदय को पवित्र रखें, क्योंकि ये भगवती सबके हृदय विराजमान होती है। हृदय पवित्र रखें, और हृदय से सोचन स्वर्गम गशंती मानवः। जो अपने हृदय को पवित्र रखता है, इसको जो पवित्र की बातें आपको बतलाई है पवित्रता की, इस प्रकार से ये पांचों जो है, इन पर ध्यान विशेष देना, हृदय अपने आप पवित्र हो जाएगा। और फिर जिनका हृदय पवित्र है, उन्हीं मनुष्यों को जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग क्या है? सुख है। नर्क क्या है? दुख है। तो उन्हीं को जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिनका हृदय पवित्र। ये पांचों चीजें जिसके जो है पवित्र है, और हृदय पवित्र है तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विवेको जीवितम दीर्घम धर्म कामर संपदा सर्वम तेन भवेत दत्तम शास्त्राणाम पोषण कृते। जो विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान बतलाया गया है, जो विद्यार्थी हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं उनका धन की कमी होती है, वह कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनके पास पुस्तक नहीं होती है, पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं होती है, फटी हुई लगा करके जाते हैं किस तरह से। ऐसे विद्यार्थियों की सेवा करना, उनकी सहायता करना जो है, ये बहुत बड़ी सेवा बतलाई गई है। छात्रों का पोषण करने वाले को विवेक, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उसका धर्म का विशेषल नहीं होता है, और उनकी कामना पूर्ण होती है, सभी संपत्तियों के देने का फल जो उसको मिल जाता है विद्या दान से। आप कोई दान ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास धन संपत्ति कम है, परंतु आप अपने जब ज्ञानवान है तो आपने निज बना ले एक घंटा जो है छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके, आप जहां भी नगर में, जिस नगर में रहते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री जो उसको विद्या दान करें, तो अपने बाप का कल्याण होगा। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं। और सेवा कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, महाराज आप सेवा घर बैठे कर सकते, बड़े बुजुर्ग हैं, निज बना ले हमने रात्रि को जो सोने से पहले जो है आधा घंटा माता पिता की चरण सेवा करनी है, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, सब देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता घर के अंदर साक्षात देव है, जो उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जे भगवती जगजननी जी आदि शक्ति अति प्रसन्न होती है उन पर। जब माँ के दरबार में आकर के भाई माँ को प्रणाम करते, माँ बड़ी प्रसन्न होती, हृदय से उन्हें आशीर्वाद देती है, उनके जीवन हृदय सिद्धि रहती है। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते, भाई जब माँ के दरबार में आते हैं, जब माँ को प्रणाम करते हैं, तो माँ कहती है, घर में बड़े बुजुर्गों को तो पूछता नहीं, उनको कहीं प्रणाम करता नहीं, और जहां पाकर मुझे प्रणाम करता है, मैं इसका प्रणाम स्वीकार करती नहीं, उनकी प्रार्थना, उनका प्रणाम ये स्वीकार नहीं करती।
इसलिए जे कुछ ऐसे शास्त्र भी है जे धर्म जो है कोई धर्म बुरा नहीं होता। कौन धर्म है जो जे कहते हैं कि दूसरों की हिंसा करो, दूसरों को मारो पीटो, कोई धर्म जी बात नहीं कहेगा। धर्म सदा सर्वदा यही कहता है कि धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, दूसरों की सहायता करो, भले कर्म करो, कहीं बुरा कर्म नहीं बतलाता धर्म जो है। इसलिए जो है यहां कहते हैं असी पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम जे नमस्यन्ति गोविंदम न तेषम भिद्यते भयम्। ये बड़ी एक विशेष बात कही है शास्त्र में कि जो असे तीसरी के पुष्प जो है जिनके जो पीत वर्ण होता है, ऐसे ही कांति वाले पीतांबर धारी जो पीत वस्त्र धारण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। इस प्रकार से और गौओं के जो वे स्वामी है, गौओं की सेवा करने वाले भगवान अच्युत को जो है जो प्रणाम करते हैं, अर्थात जो देव देवता को प्रणाम करते हैं, उनको जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। कोई भय हमेशा निर्भय रहते हैं, बस सब जानते हैं ये संसार क्या है, हमें करना क्या है, हम है कौन, हम किस लिए यहां पर आए हैं। ऐसी कृपा होती है उन देव देवताओं की, ऐसा उनके आशीर्वाद से उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, बस सब जो है जान जाते हैं कि संसार क्या, हमें करना क्या है। और इस प्रकार जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनको भय कैसा, जिन पर देव देवताओं की कृपा हो जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनको भय कैसा, उनके जीवन आनंद ही आनंद होता है, उनका जीवन जो है आनंद पर रहता है। जय भगवती उनको असीम आनंद प्रदान करती है और सर्वतन भक्तों का मंगल मंगल करती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस माँ जगजन जगत माता के शरणागत होकर के भगवती की आराधना प्रातः काल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें, परिवार एकत्रित होकर के जब देवता और विपत्ति आती है सब देवी इकट्ठे होकर के माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं। तो जीवन में कई विपत्ति है तो भयभीत मत होइए, माँ की जोत जगाएं, परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करें, फिर माँ से प्रार्थना करें, माँ प्रार्थना सुनती है, अद्भुत शक्ति होती है प्रार्थना में। और इस प्रकार से माँ को प्रणाम करें, देखें माँ का जब आशीर्वाद कैसे मिलता है, और वही आशीर्वाद जो है आपकी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर करके आपका सर्वत्र मंगल मंगल करेगा, क्योंकि ये माँ भगवती शरणागत भक्तों का हमेशा मंगल मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करो श्री मनिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सम्मिल कर बोलना ताल भी जाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा श्रीवालिए मैया पवन तेरा बड़ी दूर तेरा
आपके मर्यादा पूरी करे, आपका जीवन खुश से भरता है। नाम दा सरूर उच्चे पर्वत बिखरे पैंडरे मैया दिल बिच नाम दा सरूर सपन से शेरा वाली अज मेरे आई तू अज मेरे आई तू सपन से शेरा वाली अज मेरे आई नाम दा सरूर उच्चे पर्वत बिखरे पैंडरे मैया तेरे मिलने दा मैया चा मिगी चढ़िया
तेरी करम जय
ज्योति हो शेरा वाले अम्बे हो माँ जगदम्बे तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार जोदा में तेरी दादी नित जगा जोता में तेरी दादी रज रज के गुण तेरे फिर मैं गावा रज रज के गुण तेरे फिर मैं गावा अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी।
जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी माँ मेरी माँ मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लगे मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लगे मुझे भक्ति के रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लगे मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धोवे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धोवे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा कच्चे रंग रे सबरे देखे हैं जहान में कच्चे रंग रे सबरे देखे हैं जहान में पक्का और गूढ़ा रंग देखा तेरे ज्ञान में पक्का और गूढ़ा रंग देखा तेरे ज्ञान में हमें प्यार वाले ओ हमें प्यार वाले हमें प्यार वाले रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे हमें प्यार वाले रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में डुबो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे सेवा सुमिरन सत्कार वाला मां रंग दे सेवा सुमिरन सत्कार वाला रंग दे कभी जो न उतरे मुझे ऐसा रंग दे कभी जो न उतरे ऐसा वाला रंग दे मेरा मान ओ मेरा मान हो मेरा मान अभिमान मत बड़ा प्यारा लागे मेरा मान अभिमान सारा धोवे रंग बड़ा प्यारा लागे जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लगे जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मेरे जीवन की डोरी मैया तेरे हाथ है मेरे जीवन की डोरी मैया तेरे हाथ है चाहता हूँ मैं बस एक तेरा साथ है चाहता हूँ मैं बस एक तेरा साथ है मेरी मैया रहो मेरी मैया मेरी मैया किनारे लगा दे रंग बड़ा प्यारा लागे मेरी मैया किनारे लगा दे रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लग जन्मों के दाग सारे धो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे
रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में डुबो दे के रंग बड़ा प्यारा लागे लगे जन्मों के ओ लगे जन्मों के लगे जन्मों के दाग सारे धोवे ये रंग बड़ा प्यारा लागे लगे जन्मों के दाग सारे धोवे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मुझे भक्ति के रंग में भिगो दे ये रंग बड़ा प्यारा लागे ये रंग बड़ा प्यारा लागे ये रंग बड़ा प्यारा लागे मा रंग बड़ा प्यारा लागे ये रंग बड़ा प्यारा लागे 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 जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय वाली माता तेरी सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 19वीं वृष्टि ही कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि ही रविवार तदनुसार 3 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में इस आरती की पवित्र वेला में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष तौर द्वादशी जो त्रयोदशी के दिन जो है आज प्रदोष व्रत है और कल जो शिवरात्रि का व्रत भी होगा तो बड़ा ही और सर्वसिद्धि योग है। ये बड़ा ही उत्तम समय एक तो जब भी कोई शुभ कर्म करने के लिए विचार किए जाते हैं तो उसके लिए स्थान देखा जाता है कहाँ पर हम जो है पुण्य कर्म करें। फिर समय का विचार किया जाता है स्थान समय का विचार किया जाता है पात्र का विचार किया जाता है। तब देखिए ये समय प्रातःकाल की वेला ही और आज ही प्रदोष व्रत दूसरा जो है सर्वसिद्धि योग जे माँ भगवती का दरबार जो स्थान जो है ऐसी पवित्र स्थली और आरती का समय ऐसी परम पवित्र वेला में आप भक्तों को जिस शुभ कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ के चरणों बैठ करके पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसी मान्यता है कि ऐसे समय में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य कर्म करने का तो उसका अक्षय फल होते हैं उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ के इसी तरह से भक्त कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमांजसुहे भव प्रज्ञाभण भव भूर्भूतकर्ण दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यगर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री शंबर पादपरिणतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीरवर्चस्व
आयुष्यमारोग्यम अविदत् शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल कर बोला ताली बजाते हुए ओम जय मैया जय मनवाचित
सेवत फल पावत सेवत नर नारी ओम मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः बलदुर्गा माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवत से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, कमल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, कल्प जगत जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी।
माता दी, जय 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 जगदम्बे, जय जयम्बे, 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 जय जगदम्बे, भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर बोलना, देहि सौभाग्य मारोग्य, देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि यशो देहि, यशो देहि यशो देहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, सङ्गच्छध्वं सङ्गच्छध्वं, सम्वदध्वं सम्वदध्वं, सम्भ्रमणसि सम्भ्रमणसि, जानता जानता, देवाभागं देवाभागं, यथा पूर्वे यथा पूर्वे, सञ्जानन सञ्जानन, उपासते उपासते, शान्तिः शान्तिः, शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
Mangalyam Tuharyam Pasunam Tuharyam
जनपद गणेश का तो गणेश महाराज बोलो सच्चे सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। वो सच्चे वो सच्चे वो सच्चे वो सच्चे सबको प्रणाम करते हैं। ओम दुर्गा देवी नमः। पाद्यो पाद्यम हस्यो अर्जुन मुहियो आयु सर्वंगे शरणं समर्पयामि सर्वंगे शरणं समर्पयामि नमः। ओम गंधर्वारं दुरागर्षं यतपुरुषं गणेश्वरी ईश्वरीकर भूतानं काम्यो भवेद्वयं श्रीकण्ठं प्रसिद्धं गंगाधरं मनोहरं वीरे परं दुर्गेशचन्द्रं कुलसुतामः। ओम प्रभु ज्ञानपुरुषे शतम काव्यादि च सात्विकाराधीज महागौरी नौमी सिद्धि साधीज दुर्गा प्रति सीता दुर्गा दिव्य सर्व मंगल मंगल सुरवाणी सारी के गौरी नारायणी Yeah.